गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला माना जाता है, इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीति सार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के दो भाग हैं, पूर्व खंड तथा उत्तर खंड। गरुड़ पुराण की रचना अग्नि पुराण के बाद हुई थी। इस पुराण की सामग्री वैसी नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में वर्णित है। इस पुराण में वर्णित जानकारी गरुड़ ने भगवान विष्णु से सुनी और फिर कश्यप ऋषि को सुनाई। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के लिए श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। दोस्तों, आपने साउथ की सुपरहिट फिल्म अपरिचित जरूर देखी होगी, जिसके सुपरस्टार विक्रम ने बहुत ही शानदार तरीके से एक्टिंग की थी। और यह फिल्म बेसिकली गरुड़ पुराण से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें जितनी भी जो लोगों के द्वारा गलत काम किए गए थे, जो सजाएं जो मिली हैं, वो गरुड़ पुराण के ऊपर ही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस गलत कर्म से आपको क्या सजा मिल सकती है नरक में। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसके जरिए लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। गरुड़ पुराण में सही और गलत कर्मों की व्याख्या भी की गई है और उनके आधार पर यह बताया गया है कि किस पाप के लिए व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क मिलने की बात कही गई है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ किस पाप के लिए आपको क्या सजा मिलती है। तो पहला है, ऐसी मान्यता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में इतना मारते हैं कि वो पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें फिर से पीटा जाता है। दूसरा, जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। सावधान रहिएगा। अब सुनिए तीसरी बात, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें नर्क में बहुत कठोर दंड मिलता है। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। जैसे अपरिचित पिक्चर में क्रीमी भोजनम, कुंभ पाकम ऐसे सजाएं हैं, तो ये संस्कृत के कुछ शब्द हैं। अब सुनिए आगे, जो पति पत्नी एक दूसरे की स्थिति का फायदा उठाते हैं, उनके साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक वे एक दूसरे के पैसों का लाभ उठा सकें, ऐसे लोगों को नर्क में गर्म लोहे की रॉड से पीटा जाता है। तो सावधान हो जाइए दंपत्ति सन, जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, उनके धन दौलत को हड़प लेते हैं, ऐसे लोगों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। तो ध्यान से जीवन व्यतीत करें, किसी की खुशी ना छीने केवल पैसे के लिए। जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके अंगों में जलता हुआ लोहा डाला जाता है और उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है। ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं या फिर महिलाओं के साथ संभोग करने के बाद उन्हें धोखा देकर छोड़ देते हैं, उन्हें नर्क में भी जानवर की तरह मारा जाता है और मल मूत्र से भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसे लोग जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष को सताते हैं, उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मान्यता है कि इस नदी में से मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून, मवाद और गंदी चीजें पड़ी होती हैं। जो लोग सीधे साधे लोगों का जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं,
उन्हें ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। दोस्तों, यह गरुड़ पुराण में से तो कुछ ही मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो अपने जीवन में आपको शायद इनमें से कोई ना कोई सजा पक्का मिलेगी अपने पापों के लिए। तो पापों को कम करते जाएं, सदाचार जीवन व्यतीत करें। जय श्री हरि विष्णु।